छोड़
अपने छुड़ाने का प्रयत्न किया, उससे लड़ाई हुई और बहुत समय लड़ने के बाद वह पराजित हुआ और फिर उनको छुड़ा करके भगवान ने कहा, उन कन्याओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर को चली जाइए। उन कन्याओं ने कहा कि हे प्रभु, हम लोगों को बहुत दिन से ले आकर के यह जेल खाने में, उसका नाम भौमासुर था, इसलिए भौमासुर बंद किया हम लोगों को, तो हम लोग अब नहीं घर तो नहीं जा सकते हैं और ना यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि यह क्रूर है, निर्दयी है, लोगों की हत्या करता है, परेशान करता है, इसलिए हम लोग यहाँ भी नहीं रह सकती हैं। सभी कन्याएं हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अब मेरा सहारा कोई नहीं है, इसलिए आप हम सब के साथ विवाह कर लीजिए। भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ वहां पर विवाह किया और वे सभी जो हैं कन्याएं माँ कात्यायनी देवी की पूजा उन्होंने किया, क्योंकि कात्यायनी देवी जो हैं अच्छे वर की प्राप्ति में उनका वरदान है, उनकी पूजा करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि कहा गया है हमारे दुर्गा सप्तशती में कि प्रथमं शैल पुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति पुष्टमाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठ कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार नव दुर्गा में कात्यायनी माँ का बड़ा ही प्रमुख स्थान है और उनकी पूजा करने से जिसका विवाह नहीं होता है, उनकी पूजा करने से उसका विवाह हो जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। वह भौमासुर को भगवान कृष्ण ने मार दिया तो माँ पृथ्वी जो है उनकी भगवान की स्तुति करने लगी। यद्यपि वह पृथ्वी का ही पुत्र था, लेकिन माँ पृथ्वी उसके अत्याचार से वह बहुत ही जो है इतना दुखित थी और लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए भगवान आकर के बहुत सी स्तुति माँ पृथ्वी ने किया और एक वरदान मांगा। माँ पृथ्वी ने कहा कि हे प्रभु, जो ये भौमासुर अर्थात मेरा पति है और हमारे एक पुत्र भी उसका हुआ है, उसका नाम भगदत्त है, हे प्रभु मेरी प्रार्थना है कि उसको आप ना मारें, उसका वध आप ना करें। माँ पृथ्वी के कहने से भगवान ने उसको छोड़ दिया और वह अपने ही स्थान पर अपने नगर में वह राज्य करने लगा। इस प्रकार से भौमासुर की यह कथा भागवत में आती है। 16,100 के बाद भगवान ने माँ रुक्मिणी जी से विवाह किया और रुक्मिणी जी के पास बाद उन्होंने सत्यभामा जी से विवाह किया। सत्यभामा जी जो थी वो एक ग्वाल जो सत्राजीत का जो है, एक बार की यह बात है कि भगवान सूर्य की उपासना सत्राजीत ने किया और सत्राजीत को भगवान सूर्य ने एक अस्मंतक मणि दिया। वह अस्मंतक मणि इस प्रकार थी कि वह 16 भार सोना जो है 16 मन सोना प्रतिदिन गिरा देती थी। 16 मन सोना जब गिरा देती थी प्रतिदिन, वह उस मणि में यह ताकत थी। एक दिन वह उस मणि को लेकर के वह सत्राजीत भगवान कृष्ण की सभा में चला गया और भगवान कृष्ण की जब सभा में गया तो वहाँ पर जब वहाँ से लौटने लगा तो और जो ग्वाल बाल थे, बोलो शंकर भगवान की जय की, जब वहाँ पर वह गया तो जब निकला तो ग्वाल बाल लोग जो हैं वह कहने लगे कि अरे भाई,
आई। यह मणि जो है जो उसका उस मणि का नाम अस्मंतक मणि था और उस मणि को कहा कि इस मणि को आप भगवान कृष्ण को दे दीजिए और उसको खजाने में जमा करा लीजिए। भाई शांत रहे, थोड़ा सा ध्यान से नहीं सुनाएगी इसलिए बार बार आपको नमन करते हुए आगे की कथा। तो उस वह अस्मंतक मणि जो है वह अस्मंतक मणि भगवान सूर्य से प्राप्त हुई थी, 16 मन सोना प्रतिदिन देती थी। तो